हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ रजत अंकित कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल फनी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना वाईफाई हमेशा ऑन रखना चाहिए, इससे बैटरी बैकअप नहीं ख़त्म होती है। एक नया टैब खोलेंगे एक अपने ब्राउज़र में और सिंपली टाइप करेंगे एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर फॉर पीसी। यह एक साइट पर लेकर जाएगा आपको जो कि गूगल का ऑथराइज्ड है। वाईफाई से कभी भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपको फ्री वाईफाई भी मिलती है, जिससे आपका मोबाइल हमेशा सेफ रहता है। इससे बैटरी ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम खाती है। यहाँ आप देख सकते हैं रेडमी नोट 3 दिखा रहा है जो कि मेरा मोबाइल फ़ोन है। अगर आपका डिवाइस ऑन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये आपको ज़रूर दिखाएगा। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तब नहीं, तो ऐसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका लोकेशन ऑन है तो आपको उसका डायरेक्टली लोकेशन भी दिखा दिया जाएगा। आप वाईफाई ऑन कर सकते हैं या लोकेशन भी, आप इस पर रिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ रिंग कर रहा हूँ मैं और वो डायरेक्टली रिंग होगा। उसके बाद और भी फैसिलिटीज़ है इसमें, जैसे कि यहाँ पर लॉक करने का। लॉक आप कर सकते हैं मगर ये पूरी तरह से लॉक नहीं होता है। जैसा आप देखिए, इससे आपको वहाँ मैसेज स्क्रीन पे चला जाएगा, आप अपना पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, रिकवरी मैसेज। आप रिकवरी मैसेज में आप डाल सकते हैं कि कैसे उस इंसान को मैसेज किया जाता है। आप मैसेज कर सकते हैं उसको कि आप मेरा फ़ोन दे दीजिए या वगैरह वगैरह। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, प्लीज़ गिव माई फोन। आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। टाइप करेंगे और वहाँ से लॉक कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ वो फ़ोन लॉक हो जाएगा और वो दिखाने लगेगा, जैसा कि यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, प्लीज़ गिव माई फ़ोन कॉल ऑनर। और जैसा कि वो टैप करेगा हरे बटन पे, वो डायरेक्टली आपको फ़ोन लग जाएगा जैसे जो आपने नंबर वो वहाँ दिया हुआ होगा। यहाँ देखिए, मैंने दिया था वो नंबर और वो लग गया और वो हटेगा, काटेगा तो वो हट जाएगा। और फ़ोन करता है तो आप डायरेक्टली उसको बता दीजिए कि प्लीज़ मैं फ़ोन दे दो। अगर वो ऐसा नहीं करता, यहाँ इरेज का भी ऑप्शन है, आप इरेज करेंगे तो वहाँ सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ इरेज का ऑप्शन है पर मुझे इरेज करना नहीं है क्योंकि मेरा मोबाइल में सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ देखिए, इरेज और कैंसिल और यहाँ देखिए SD कार्ड का जितना भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, रीसेट फैक्ट्री सेट हो जाएगा, सारे आपके फ़ोटोज़, म्यूज़िक, सेटिंग्स। और जब आपका इरेज कर दिया जाएगा सारा डाटा, तो वो फिर आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आप ट्रैक कीजिए, या अगर उसका लोकेशन चालू है तो आप सिंपली उसे ट्रैक कर लीजिए, वो बेहतर होगा।